अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी ये भाईजान बूम ट्रक चला रहे हैं और उनसे मैं अब इंटरव्यू करने लगा हूँ। ये सिटी के एरिया में है। ये बोरसा की बिल्डिंग है और उसमें ये काम चल रहा है। वालेकुम, क्या हाल है? मैं तकरीबन 10 मिनट तक तो वो कॉल करता मिना रो ना हो खैर उसी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई जान क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक है जी। जी अल्लाह का शुक्र, दुआ आपकी। अच्छा आपका इसमें ग्रामी? जुल्फकार अली सर। जुल्फकार साहब, अच्छा ये बताएं कहाँ से हैं आप? जी मैं पाकिस्तान एबटाबाद, हरीपुर एबटाबाद से। अच्छा हरीपुर एबटाबाद से, ठीक। अच्छा जहाँ पर वो अपना ये प्लांट बना है, एटमी प्लांट? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं भाईजान इसमें सैलरी पैकेज क्या रहता है बूम ट्रक में? बूम ट्रक में सैलरी तकरीबन 300 तक वो है। अच्छा जी, ओवर टाइम वगैरह भी लगता है? ओवर टाइम भी लगता है। तो ओवर टाइम डाल के सैलरी कितनी आ जाती है? तकरीबन 350 तक आ जाती है। 350 तक आ जाती है, ठीक है। 8 घंटे ड्यूटी रहती है इसमें? ड्यूटी जो है 8 घंटे है। अच्छा जी, ये जो कंपनियों में है वो तो 8 घंटे ड्यूटी है। अच्छा जी, लेकिन हमारा जो बाहर काम है, यानी कि बाहर जो अपने कस्टमर हैं। अच्छा, प्राइवेट जो जैसे काम करते हैं, बिल्डिंग काम में, है बिल्डिंग का या अपना जो जैसे मटेरियल अप डाउन करना जी, उसका जो है ना कोई टाइम नहीं है ड्यूटी। अच्छा, वो कभी भी कॉल आ जाती है? जिस टाइम कॉल आएगी जानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो तकरीबन मिला जुला के कितनी सैलरी बन जाती है जी? तकरीबन 350 से ऊपर ही हो जाता है। 350 से ऊपर हो जाता है। तो इसके लिए लाइसेंस कौन सा चाहिए होता है जी? इसका लिए लाइसेंस हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। हैवी लाइसेंस है जी, अनशाइया भी होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा जो है ना लाइसेंस भी कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि क्रेन के लिए जी अनशाइया चाहिए होता है। अच्छा, क्रेन चलानी है तो उसके लिए अनशाइया चाहिए। जो ड्राइविंग करनी है उसके लिए आपको हैवी लाइसेंस चाहिए। अच्छा, जो ड्राइविंग करनी है तो हैवी लाइसेंस चलाइए। तो ये कितने टन की क्रेन है आपकी? ये मेरी 7 टन की है। 7 टन की ये क्रेन है, ट्रक की 7 टन की ये क्रेन। तकरीबन 22 मीटर हाइट है इसकी। अच्छा 22 मीटर हाइट है जी, तो तकरीबन जो है ना 3-3.5 टन वजन उठा लेती है। 3-3.5 टन। अच्छा, नया आदमी जो आता है वो कितनी देर में ट्रेंड हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान से या कहीं से भी? देखिए सर, इसका मकसद तो ये है ना कि अगर वो ड्राइवर है जी, तो फिर तो ये क्रेन का तो कोई मसला नहीं है। ये ज़्यादा 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 अगर बहुत ही ज़्यादा जिसका दिमाग बहुत ही कम है वो तकरीबन 2-3 महीने में सीख जाए। 2-3 माह में आप कहते हैं कि जो आदमी अनट्रेंड है वो सीख जाएगा? सीख जाएगा, क्रेन सीख जाएगा। और जो ट्रक वगैरह चलाता हो पाकिस्तान में या इंडिया में तो वो जल्दी सीख जाएगा? वो जल्दी सीख जाएगा। अच्छा जी, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें, कौन सी प्रॉब्लम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप हैप्पी हैं, खुश हैं? हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हाँ जी जी सर बिल्कुल, ये हम लोग इधर काम करते हैं ये कुवैत में, हम लोग बहुत खुश हैं जी। ठीक है जी, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन जाएगी, और जिस भाई ने आना होगा उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि वो देख ले कि भाई बूम ट्रक की क्या सैलरी रहती है, क्या पैकेज है इसका। हाँ जी जी, तो नवाजिश आपकी, अल्लाह आपको बरकत दे माल जान में। हाँ जी, आमीन। ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत मेहरबानी।